तो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद मोनिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो जी हाँ, आज हम 2 रुपए की कॉफ़ी से, सिर्फ 2 रुपए की कॉफ़ी से अपने चेहरे को चमकाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर भी कितनी चमक आ रही है। तो बिल्कुल जस्ट मैंने वो अभी करा है और उसकी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो चलिए, अगर आपको भी अपनी स्किन चमकानी है, ब्राइट करनी है, तो आप कॉफ़ी से बने इस रेमेडी को ज़रूर देखें। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रेमेडी है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़ गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए इसको बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ लाइव रिजल्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने आप बालों को बांध लें, तो क्योंकि थोड़ा सा मैसी सा है। तो ये देखिए, 2 रुपये का, 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच लेना है हमको और ये पूरा ही हमको ले लेना है। इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी आती है और ये ना ऐसे रेमेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, ये आ गई है कॉफ़ी, अब हम डाल देंगे इसके अंदर। दूसरी चीज़ लेंगे हम यहाँ पर गुड़। तो आप सोच रहे होंगे गुड़ के, हाँ गुड़ आपको लेना है इस वाले फेशियल के लिए, आपको गुड़ ही लेना है और बहुत ही अच्छा काम करता है गुड़। हमारी स्किन को चमक लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग शाइनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस गुड़ का थोड़ा सा चूरा कर लेंगे, मतलब इसको पीस लेंगे। तो देखिए, इसको आप 2 तरह से पीस सकते हैं। एक तो जो जिससे हम अदरक डालते हैं ना कस के चाय में, उसमें भी आप घिस लीजिए तो बिल्कुल बारीक निकल जाएगा, या फिर आप मिक्सी में पीस लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पीस रखा है गुड़, तो मैं इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब इसको ये रहा इसको इसमें ऐड कर दूंगी। बस 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें गुड़, और साथ में इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर जैतून का ऑयल। आप चाहें कोई सा भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लगाते हो अपनी स्किन पर। तो मैं यहाँ पर जैतून का ऑयल डाल रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल या फिर कोई भी फेशियल ऑयल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं लगाना है आपको बिल्कुल भी, और इसमें ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैसी सा रहेगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो ये थोड़ा बह जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमको थोड़ा सा स्क्रब टाइप में, क्योंकि हम इसका स्क्रब भी करेंगे और दोनों चीज़ों का ये हमारा काम करेगा। तो बस इसको हम अब लगा लेंगे अपनी स्किन पर। थोड़ा लगाने में आपको पैची सा लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। और इस तरह से आपको इसे लगाना है अपनी स्किन पर, धीरे धीरे हाथों से लगाइएगा क्योंकि थोड़ा खुरदुरा हो जाएगा, क्योंकि गुड़ भी है साथ में तो इसको लगाने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, लेकिन लग जाएगा बहुत आराम से। तो इसको लगाएंगे हम 15 मिनट के लिए, आपको लगा कर छोड़ देना है अपनी। अगर आपको ये ज़्यादा पैची सा लग रहा है, आपका लिक्विड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच से भी कम आप इसमें दूध डाल सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं डालना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ही चिपचिप हो जाता है तो लगने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसको लगाने में, और फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस तरह से। तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेंगे बस, या फिर आप ऑयल इतना डाल लें जिससे कि थोड़ा इस तरह से लिक्विड हो जाए। और इसे लगाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लग जाता है। तो बस इसको इस तरह से हम लगा रहने देंगे 15 मिनट के लिए फेस पर। और इसको छुटाने का, मतलब इसको हटाने का बिल्कुल तरीका अलग है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे। और क्या क्या चीज़ जब आप फॉलो करेंगे ना, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, वरना तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे कि हमारी स्किन में तो कोई चमक। तो देखिए, जब तक ये ड्राई हो रहा है इसको 15 मिनट हम रखने देंगे, और उसके बाद हम इतने अपने फेस पैक की तैयारी कर लेते हैं। तो फेस पैक में हम लेंगे, सबसे पहले आप चाहें तो बेसन ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच आटा, तो आटा भी ले सकते हैं, दोनों ही वही काम करेंगे। और मुझे आटा बहुत ज़्यादा सूट करता है, जब भी मैं आटे से कोई भी स्क्रब या फेस पैक लगाती हूँ चेहरे पर अमेजिंग रिजल्ट आता है, और इस रेमेडी का भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच आटा, और 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें दही। इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं ऐड करना है, तो मैं दही ले लेती हूँ। मतलब हमें अपना फेस पैक तैयार करना है, तो जितना इसमें दही लगेगा आप डाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है दही, थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं, लगभग लगभग 2 चम्मच के करीब। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया इसके अंदर दही, और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें 1/2 लेमन का जूस। तो लगभग लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें
लेमन जूस डाल देंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पर टमाटो का जूस डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज का जूस डाल सकते हैं, कीवी है, ये सब हमारे विटामिन सी के सोर्स हैं, तो आप इनको इनका भी यूज़ कर सकते हैं इस फेस पैक में। तो देखिए ये हमारा पैक बनकर हो गया है तैयार, कितना ही अच्छा लग रहा है। और इसको अच्छे से पैक को हम तैयार कर लेंगे। पैक तैयार हो गया है और इसको भी 15 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दी थी वीडियो, तो इसको मैंने 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हटाने के लिए हम इसको डायरेक्टली इस तरह से हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारी स्किन खिंचेगी, तो क्या करेंगे, आपको ले लेना है दूध। दूध आप कैसे भी ले सकते हैं, और देखिए मेरे हाथ पर कॉटन चिपक गई है, तो दूध ले लेंगे थोड़ा सा और दूध में इस तरह से कॉटन को डिप करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको हटाना है। ये देखिए दूध में कॉटन को भिगोते जाइए और इस तरह से थोड़ा सा हम इसको लूज कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल एकदम से ड्राई हो गया है और बहुत ही चिपचिपा सा। बस गर्दन पे सब पर इसी तरह से आपको दूध से इसको लूज कर लेना। अब देखिए थोड़ा हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मसाज करनी है आपको 2 से 3 मिनट अपने चेहरे की, ठीक है। तो मसाज कर लेती हूँ मैं और फिर आपको बताती हूँ। 2-3 मिनट मसाज कर लिया मैंने, अब इसको हम वॉश कर देंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली वॉश करके आ सकते हैं या इस तरह से भी टॉवल से आप वॉश कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चेहरा, चेहरे पे एक ही चीज़ करने से कितना ग्लो और कितना शाइन आ गया है, खुद देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। और अभी तो हम फेस पैक लगाएंगे, उसके बाद देखना आप स्किन कितनी ज़्यादा ग्लॉसी और फ्लॉलेस हो जाएगी एकदम बहुत ही अच्छी। तो देखिए ये हट गया है, बस अब लेंगे हम फेस पैक और इसको भी हम लगा देंगे। इसको आप तो इसको हम मोटा सा लेयर लगाएंगे चेहरे पर इस तरह से। और आप इस वाले जो फेस पैक को है ना, आप अपनी बॉडी मसाज भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसको फेंकी नहीं, अपने हाथ पैर अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। तो बस इसको अब लगाकर छोड़ देंगे, इसको भी हम 10 मिनट छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद आपको बताती हूँ इसको किस तरह से आपको हटाना है, ठीक है। तो 10 मिनट बाद मैं मिलती हूँ आप। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो जो भी आपने इसमें जूस डाला था, जिसका भी आप डालेंगे, टमाटो का या ऑरेंज का, तो मैंने यहाँ पर नींबू का डाला है तो मैं इसी का छिलका लूँगी। आप टमाटो का डालेंगे तो उसी का पल्प लेंगे आप, मतलब उसका छिलका, और उसी से इसको हटाएंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी शाइन आ रही है चेहरे पर। तो बस इसको आप अच्छे से रगड़ रगड़ कर छुटाइए। रगड़ने से मतलब ये नहीं है कि आप, और देखिए रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत तेज तेज करें, आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको हटा लेना है बस अपने नेक एरिए पे भी इस तरह से। आप इससे बस अब हम अपने चेहरे को कर देंगे। इसके बाद मैं अपना चेहरा धोकर आ गई हूँ, तो इसी तरह की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। और आप लाइन कितनी आ गई है चेहरे पर, चमक चुका है, तो आप भी जरूर करें। अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।